आज की कहानी है अक्रूर द्वारा निमंत्रण। जिन दिनों भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में निवास करते थे, उन्हीं दिनों देव ऋषि नारद कंस की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने कंस से कहा, मथुरा अधिपति नंद का पुत्र श्री कृष्ण ही देवकी के गर्भ का आठवां पुत्र है। आकाशवाणी से आपके जिस काल की घोषणा हुई थी, वह काल नंद के पुत्र श्री कृष्ण हैं। वासुदेव और नंद में मित्रता है। देवकी के गर्भ से जब आठवां पुत्र उत्पन्न हुआ, तो वासुदेव ने अपने इस पुत्र को नंद के घर पहुंचा दिया था, और नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न लड़की को लाकर अपने पत्नी देवकी को दे दिया था। आपने उसी लड़की के पैर पकड़कर उसे शिला पर पटकने का प्रयत्न किया था, किंतु वह आपके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, और उसने अष्टभुजा का रूप धारण करके घोषणा की थी, कंस तुम्हारा काल उत्पन्न हो चुका है। मथुरा नरेश आजकल कृष्ण वृंदावन में निवास करते हैं। मैंने आपको सावधान कर दिया है, जो कुछ करना है शीघ्र ही कर डालिए। यद्यपि कंस इस बात को मन ही मन में समझ गया था कि नंद राय का पुत्र ही देवकी के गर्भ का आठवां पुत्र है, किंतु जब उसने यही बात देवऋषि नारद के मुख से सुनी, तो उसके मन का रहा सहा संदेह भी दूर हो गया। अब उसे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि नंद का पुत्र श्री कृष्ण ही उसका काल है। कंस कुपित हो उठा। उसने वासुदेव और देवकी को बंदी बनाकर पुनः कारागार में डाल दिया। उसके पिता उग्रसेन ने जब वासुदेव और देवकी के प्रति सहानुभूति प्रकट की, तो कंस ने अपने पिता को भी बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। एक ओर कंस ने जहां यह किया, वहीं दूसरी ओर उसने केसी को बुलाकर उसे आज्ञा दी कि केसी, तुम शीघ्र ही वृंदावन जाओ और जिस प्रकार हो कृष्ण को मृत्यु के मुख में पहुंचाने का प्रयास करो। किंतु केसी का भी वही हाल हुआ जो कंस के दूसरे दैत्यों का हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे दैत्यों की भांति ही केसी को भी मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। केसी की मृत्यु के पश्चात कंस ने अपने मंत्रियों से सलाह करके श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत बड़े षड्यंत्र की रचना की। उसने मथुरा में मल्ल उत्सव का आयोजन किया। उसने मल्ल उत्सव में शामिल होने के लिए जहां और लोगों को निमंत्रित किया, वहीं उसने नंद और उनके दोनों पुत्रों को भी निमंत्रित किया। उसका विचार था कि जब उसके निमंत्रण पर कृष्ण और बलराम मथुरा आएंगे और मल्ल उत्सव में सम्मिलित होंगे, तो वह बड़ी सुगमता के साथ अपनी अभिलाषा पूर्ण कर सकेगा। उसे क्या पता था कि वह कृष्ण और बलराम को नहीं, अपने काल को बुला रहा है। कंस ने जहां मल्ल उत्सव का आयोजन किया, वहां उसने कृष्ण को मार डालने का प्रबंध भी किया। उसने अपने चाणूर और मुष्टिक आदि पहलवानों से कहा, कृष्ण और बलराम जब कुश्ती लड़ने लगे, तो ऐसे दांव का प्रयोग करना जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। उसने कुबला पीड़ हाथी के पीलवान से कहा, जब कृष्ण और बलराम रंगशाला में प्रवेश करने लगे, तो उन पर कुबला पीड़ को मद पिलाकर छोड़ देना। कुबला पीड़ अपने आप ही उन्हें मृत्यु के मुख में पहुंचा देगा। मल्ल उत्सव का आयोजन करने के पश्चात कंस सोचने लगा, नंद के पास निमंत्रण भेजा जाए, तो किसके द्वारा भेजा जाए? वह किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो नंद का विश्वासी हो, क्योंकि उसके मन में डर था कि यदि नंद के मन में संदेह पैदा हो गया, तो वे कृष्ण और बलराम को मथुरा नहीं आने देंगे। आखिर कंस को एक ऐसा व्यक्ति मिल गया।
जो नंद का अधिक विश्वास था। वह व्यक्ति थे अक्रूर। अक्रूर अपनी सज्जनता के लिए मथुरा में प्रसिद्ध थे। वे साधु प्रकृति के व्यक्ति थे, यदुवंशी थे और भगवान के बड़े भक्त थे। कंस ने अक्रूर को बुलाकर उनसे कहा, अक्रूर जी, मथुरा में मल्ल उत्सव हो रहा है। मैंने सबको निमंत्रित किया है। आप नंद जी के पास जाकर उन्हें मेरा निमंत्रण दें और नंद तथा उनके दोनों पुत्रों को मथुरा ले आएं। कंस का कथन सुनकर अक्रूर यह पूरी तरह समझ गए कि कंस नंद के दोनों पुत्रों को मथुरा क्यों बुला रहा है, किंतु फिर भी उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, चलो इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का दर्शन करने का सुयोग प्राप्त हो जाएगा। अक्रूर ने निमंत्रण पत्र लेकर नंद जी के पास जाना स्वीकार कर लिया। वे कंस की आज्ञा से रथ पर बैठकर वृंदावन की ओर चल पड़े। मार्ग में वे यह सोच कर अधिक प्रसन्न हो रहे थे कि कृष्ण ने पूतना, बकासुर, अघासुर और केसी इत्यादि राक्षसों को मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया, तथा जो कृष्ण 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रहे, आज उनके दर्शन का मुझे सुयोग मिलेगा। मनुष्य को सब कुछ तो सरलता से मिल जाता है, पर भगवान का दर्शन तो उसी समय प्राप्त होता है जब महान पुण्यों का उदय होता है। कंस का निमंत्रण प्राप्त कर कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। जरूर, पर वहां उन्होंने कंस के सारे दुष्प्रयास निष्फल कर दिए। कुबलयापीड को मार डाला, चाणूर और मुष्टिक का हनन कर दिया और अंत में दुराचारी कंस का भी वध कर डाला। इस प्रकार दुष्ट कंस के कुशासन से ब्रजवासियों को मुक्ति दे दी। धन्यवाद।